हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे इच्छा पूर्ति वृक्ष भी बोलते हैं, या फिर जिस वृक्ष पेड़ के नीचे वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जो भी मन्नत मांगते हैं, मनोकामना होती है, अपनी विश बोलते हैं, वो विश वहाँ पूरी हो जाती है, फुलफिल हो जाती है। इस वृक्ष का नाम है कल्प वृक्ष, इसे कल्प तरु भी कहा जाता है। ये वृक्ष की मान्यता ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें जितने भी रत्न निकले थे उसमें कल्प वृक्ष भी निकला था। कल्प वृक्ष को इंद्रदेव स्वर्गलोक लेके जाना चाहते थे, ले गए थे, तो इसमें बहुत सारी पावर्स आ गई, राइट। फिर ये पृथ्वी पे भी है, दो जगह तो मुझे पता है, एक है उत्तराखंड के जोशी मठ में, जो बहुत ही मान्यता प्राप्त है वहाँ पे, कि वहाँ पे उस पेड़ के नीचे बैठ के जो भी मन्नत मुराद मानी जाती है, जो भी इमेजिन किया जाता है, कल्प तारु मतलब कल्पना से भरा हुआ, जो भी कल्पना आप उसके नीचे बैठ के करेंगे वो सच हो जाती है। ओके, सो क्योंकि ये पेड़ पौधे वगैरह ये बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, ये सब लिविंग बींग्स हैं, हम सब जानते हैं, ठीक है। सो इनमें पावर्स होती हैं, बहुत से पेड़ों में ऐसा है, बड़ का पेड़ होता है, पीपल के पेड़ को हम कहते हैं जल देना चाहिए, देवता का वास होता है। उसी तरह से कल्प वृक्ष, कल्प तरु वृक्ष, ये वृक्ष की भी अपनी मान्यता है, बहुत ज़्यादा मान्यता है इसकी। ओके, इस वृक्ष के नीचे बैठ करके जो भी कल्पना आप करेंगे, कल्पना से ही सृष्टि बनती है, जो हम सोचते हैं वही रियलिटी बनती है, हमारे थॉट्स ही रियलिटी बनाते हैं, बनते हैं, ठीक है। तो ये एक तो है जोशी मठ में है, उत्तराखंड के जोशी मठ में है ये पेड़। दूसरा राजस्थान की एक जगह है, वहाँ पे भी, हमीरपुर नाम की जगह है, वहाँ पे भी ये पेड़ है, मंदिर बना हुआ है इसके आसपास। लेकिन हर इंसान का संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है इन जगहों पे जाना। जो लोग इन जगह के पास जा सकते हैं, अपनी विशेज़ मांग सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबका संभव नहीं है, लेकिन ब्लेसिंग्स तो सबको चाहिए। जैसे ही हमें पता चलता है कि कोई ऐसा पेड़ है जो विश पूरी करता है, हम सब के पास छोटी बड़ी विशेज़ हैं, तो हम सब चाहते हैं कि ऐसी चीज़ का पता हमें भी चले, हम भी ऐसी चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ, लाभ उठा पाएँ, राइट। तो अगर आप लोगों को कहीं से किसी नर्सरी से कल्प वृक्ष मिलता है तो आप लोग अपने घरों में लगाइए, या जहाँ पे आपका बिजनेस है, ऑफिस है, वहाँ पे भी आप इसको प्लांट कीजिए। इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत अच्छा होता है वास्तु के अकॉर्डिंग भी। अगर ये नहीं मिलता तो आप लोग इसकी पिक्चर, ओके सी, भगवान हमें पता है, ठीक है, कि भगवान हम वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ पे जो हमारी जो भी वहाँ पे माता रानी हैं उन्हें हम वहाँ से ला नहीं सकते, लेकिन उनकी पिक्चर खरीद के लाके अपने पास रखते हैं, फिर उनकी पूजा अर्चना करते हैं, हम मानते हैं। सी, सारी चीज़ें फेथ से कनेक्टेड हैं। जिस तरह का विश्वास इंसान का है उसी विश्वास के साथ हर चीज़ कनेक्टेड है। सो यहाँ पे भी सारी बातें फेथ की है। इस पेड़ के नीचे बैठ के कल्पना करने से हर कल्पना हकीकत बन जाती है, जो भी आप अपने विषय रिलेटेड कल्पना करेंगे वो हकीकत बन जाती है। तो क्योंकि हम सारे इंसान का पॉसिबल नहीं है कि हम उस पेड़ उन जगहों पे जा पाए, क्योंकि बहुत सीमित जगह पे ये पाए जाते हैं। ओके, सो बेस्ट है इनके पिक्चर्स निकाल करके आप अपने घरों में ईस्ट के वॉल पे लगाइए। अगर बिजनेस है, ऑफिस है, तो वहाँ पे भी ईस्ट के वॉल पे लगाइए। ये चीज़ आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी आगे प्रोग्रेस करने में, सक्सेस हासिल करने में। अब जब आप इनकी पिक्चर्स निकाल करके अपने अपने घरों में लगा रहे हैं, वॉल पे लगा रहे हैं, तो फिर आप इसके साथ अपनी कल्पना को कैसे जोड़ें, किस तरह से विनती कर सकते हैं, अपनी मनोकामना कैसे बोल सकते हैं। आप हो सके तो जहाँ पे ये है, सपोज वॉल पे ऊपर लगाया है और वहाँ पे साइड में या उसके नीचे खाली जगह है, या फिर लोग सोफे के ऊपर लगा लेते हैं, सोफ़ा के ऊपर जो ड्राइंग रूम में स्पेस खाली होता है, ओके, लिविंग रूम में, वहाँ पे लगा लेते हैं, तो बेस्ट है उसके नीचे आप बैठ के, जस्ट कल्पना से रिलेटेड है हर चीज़। सो यहाँ पे भी आप वो कल्पना कर सकते हैं कि उसी पेड़ के नीचे आप बैठे हैं, बिकॉज अभी हमारे पास पिक्चर्स अवेलेबल हैं, तो हम पिक्चर का ही पावर यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो आप वहाँ पे बैठ करके अपनी विश को की कल्पना करेंगे, जो विजुअलाइजेशन हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोलते हैं, वो चीज़ यहाँ पे है। ओके, आप
अपनी विश को महसूस करेंगे, फील करेंगे कि आप अपनी विश जी रहे हैं। सपोज कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो इस पिक्चर के नीचे बैठ के, राइट, और या फिर अगर बैठने का स्पेस नहीं है तो आप सामने ही खड़े होकर के विजुअलाइज करते हुए कि आप उस पेड़ के नीचे बैठे हैं, ओके, और अपनी विश को कल्पना में तब्दील कर देंगे प्रेजेंट टेंस में। मींस आप ये फील करेंगे कि अभी आपको जॉब मिल गई है, आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छी सैलरी आपको मिल रही है, राइट, इस तरह से। या फिर और कोई विश है, हेल्थ से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, बहुत सारे वृक्ष ऐसे ऐसे हैं जहाँ पे, जैसे कि भगवान बुद्ध, उन्होंने वृक्ष के नीचे ही बैठ करके ज्ञान प्राप्त किया, एनलाइटन हुए वो, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे वृक्षों की अपनी अपनी मान्यता है, तो आपको भी, स्टूडेंट्स को ये फील कर सकते हैं कि वृक्ष के नीचे बैठ करके आपको अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर किया है, बहुत अच्छे तरह से आपने एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट किया है, लिखा है, ठीक है। और भी जो जो रिलेशनशिप से रिलेटेड जिनके इश्यूज हैं, विशेज हैं, वो भी यही विजुलाइज कर सकते हैं कि उस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं अपने आप को एज अ मैरिड कपल, ठीक है, या फिर शादी होते हुए देख रहे हैं सबकी रजामंदी खुशी के साथ। जो जो लाइफ में आप लोग हेल्दी होना चाहते हैं, हेल्थ के लिए अगर कोई मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी की विश है, तो हेल्थ के लिए आप बैठ के देख सकते हैं कि हम हेल्दी हैं, बहुत खुश हैं, ठीक है, बहुत एनर्जेटिक हैं, पॉजिटिव हैं लाइफ में, वो चीज़ फील कर सकते हैं। ये पेड़ का जो मिरेकल है, जो मैजिक है इसमें, जो कल्पना रूपी मैजिक इसमें दिया गया है, ठीक है, सब मान्यताएं हैं, लेकिन कल्पना थॉट जब हम बना लेते हैं किसी चीज़ की बहुत पॉजिटिविटी के साथ, तो वो तो रियलिटी बननी है। सो, बहुत सच है, मैं मानती हूँ कि सच है। क्यों? क्योंकि इसमें कल्प वृक्ष कल्पना रूपी चीज़ है एडेड। मैं तो स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ, जो हम सोचते हैं वो रियलिटी बनता है। तो जब हम यहाँ पे पूरी ताकत के साथ एक कल्पना क्रिएट कर देंगे, एक इमेजिनेशन क्रिएट कर देंगे, एक विजुअलाइजेशन क्रिएट कर देंगे, 100% सक्सेसफुल होंगे। इसको आप डेली कर सकते हैं, हमेशा विजुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इस पेड़ को देखते हुए, इस फोटो को, पिक्चर को देखते हुए, जब भी आप कल्पना करेंगे हमेशा पॉजिटिव रहिएगा, बिकॉज ये कल्पना वाला वृक्ष है, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जो सोचोगे वो मिलेगा। सो नेगेटिव थॉट से दूर होइएगा, सिर्फ पॉजिटिव सोचिएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट में, ऑफिस में लगा रहे हैं तो आप सिर्फ इतना सोचेंगे कि अब सिर्फ सक्सेस मिल रही है, बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, बिजनेस बहुत तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ोतरी की तरफ सोचेंगे, ठीक है। सो बेसिकली आप अपनी लाइफ को बहुत ही प्रॉस्परस बनाने जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा तरक्की वाला, खुश वाला, खुशनुमा एनवायरनमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं इस कल्पना रूपी वृक्ष के नीचे बैठ के। इस पिक्चर को आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे कल्प वृक्ष के वहाँ पे आपको पिक्चर्स मिल जाएंगे, ईजिली अवेलेबल हैं। उनको निकाल करके, प्रिंट आउट निकाल करके आप अपने ऑफिस के ईस्ट वॉल पे या अपने घर में ईस्ट वॉल पे लगाइए, ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। इस वृक्ष के सामने खड़े होकर प्रे कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। प्रेयर में यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि प्रेजेंट टेंस में बोलना है, पास्ट टेंस में बोलना है, मांगना है, नहीं, कल्पना उस चीज़ की कि आप हैं अभी। बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये पेड़ मुझे लग रहा है एकदम कनेक्टेड है कि कल्प रूपी वृक्ष, कल्पना वृक्ष, कल्प वृक्ष मीन्स हम कल्पना कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही होता है, हम जो विजुअलाइज करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं, थॉट्स को स्ट्रॉन्ग करके करते हैं, वो हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं। सो जब आप यहाँ पे विजुअलाइज कर रहे हैं, उसके साथ साथ इस कल्प वृक्ष की पावर्स को ऐड करके कर रहे हैं, देर आर पावर्स, देर आर एनर्जीज एवरीवेयर, राइट। हम भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, ठीक है वो पत्थर की मूर्ति, लेकिन जैसे ही हमने उसमें फेथ जगा दिया, श्रद्धा लेके आ गए, भाव लेके आ गए, पावर्स अपने आप वहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ है, एंड इसको यूज़ कीजिए प्लीज़। कल्प वृक्ष को अगर आप कहीं से मिलता है, इसमें ऑलमोस्ट 5-6 पत्तियाँ होती हैं, एक जैसे हम बेलपत्र में 3 पत्तियाँ देखते थे या 6, उसमें भी ज़्यादा होती हैं, बट इसमें 4-5 पत्तों का एक बनता है। और अच्छे से आप लोगों को देखना है तो देर आर सो मेनी पिक्चर्स अवेलेबल ऑन गूगल, वहाँ पे आप देख सकते हैं। हो सके मिलता है अगर कहीं से तो आप लेके आइए, लगाइए अपने अपने घरों में। नहीं मिलता है, पिक्चर डाउनलोड कीजिए, पिक्चर को ईस्ट वॉल पे लगाइए, फ्रेम करके लगाइए या सिंपल लगाइए, जैसे भी लगाइए, पर इसके बेनिफिट्स को आप लोग लीजिए अपनी लाइफ में, आने दीजिए इसके मैजिक को, पावर को।
सो यही था कल्प वृक्ष के लिए। मैं यही बताना चाहती थी आप लोगों को कि किस तरह से कल्प वृक्ष आप लोगों की मनोकामनाओं को पूरी करने में आपकी हेल्प करेगा। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे